नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराजा ललितपुर। विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, DLS थर्ड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है मूल्यांकन की संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया के साथ साथ जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन में या हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार चिकित्सक अपनी औषधि का मूल्यांकन रोगी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को भी मूल्यांकन करना पड़ता है। अतः वह अपने विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करता है। शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आधार निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य होते हैं तथा इसमें संबंधित विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम क्रियाएं तथा मूल्यांकन पद्धतियों के द्वारा बालक या विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन लाया जाता है। मूल्यांकन के यह समस्त परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फलतः जैसे ही शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण हो जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होने के साथ साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नंबर एक मूल्य और दूसरा अंकन। इस प्रकार का मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उनके संबंध में उचित निर्णय करना अथवा उनके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना होता है। अन्य शब्दों में मूल्यांकन का अर्थ या मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य, वस्तु या व्यक्ति का मूल्य निश्चित किया जाता है। हम प्रत्येक प्रकार की योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। जहाँ तक छात्रों की योग्यता के अनुसार मूल्यांकन का प्रश्न है, यह एक पक्षीय नहीं है मूल्यांकन में छात्र की प्रत्येक शैक्षिक प्रगति, उपलब्धि आदि की जांच नहीं होती, बल्कि इसमें छात्रों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक तथा सामाजिक आदि सभी पक्षों के गुणों की भी परीक्षा सम्मिलित रहती है। इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी का शिक्षा स्तर ना होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप छात्र की शैक्षिक योग्यता, रुचियां, आदतों, अभिव्यक्तियों तथा व्यवहार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा
यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है। और शिक्षा और जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य के द्वारा बालक के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है, इसके लिए छात्र के व्यवहार से संबंधित साक्ष्य को एकत्र किया जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। विभिन्न विद्वानों ने मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं दी हैं जो निम्नलिखित हैं। एडम्स के शब्दों में हम कहें तो मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षणिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रियाओं में से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना। नंबर दूसरे परिभाषा है क्रोनबेक। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम में अगले टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।